guys, what's up? Welcome back to my channel and also guys, welcome back to another real horror story. So guys, आज की कहानी मुझसे शेयर किया है मेरे वन ऑफ द सब्सक्राइबर ने, बट उन्होंने अपना नाम इस कहानी में मेंशन नहीं किया है. बट क्योंकि उन्होंने अपना ये एक्सपीरियंस मुझसे इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू शेयर किया था, सो उनका जो यूजर आईडी इंस्टाग्राम वो मेरे पास था और वो है हनी रोज. सो इस कहानी में हम उनका नाम रोज रख लेते हैं. सो ये स्टोरी गाइज बहुत सारे लोग को, इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा, बट रोज का ये कहना है दैट एक टाइम पे उस जगह में जहां पे उनके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है जो आगे आपको मैं बताऊंगी, वैसा टाइप ही कुछ घटना हुआ था उसी जगह में, जो बहुत सारे न्यूज चैनल ने वो घटना जो है उस वक्त अपने चैनल पे भी कवर किया था. तो ये कहानी गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एंड साथ में बहुत ज्यादा अलग है, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है. एंड ऑल्सो गाइज मैं आपको ये भी बता दूं, कहानी ज्यादा लंबी नहीं है. सो जिन लोगों को बहुत लंबी स्टोरीज पसंद है तो आई एम रियली सॉरी, ये कहानी बहुत शॉर्ट है. एंड जो लोगों को शॉर्ट स्टोरीज पसंद है तो आपके लिए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा एक ट्रीट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. तो चलिए अभी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है दैट ये कहानी मुझसे शेयर किया है रोज ने, और ये उनका खुद का और उनके फैमिली का एक्सपीरियंस है. सो रोज बेसिकली त्रिपुरा अगरतला से बिलोंग करती है और उनकी फैमिली में है उनके मॉम डैड, उनका भाई और रोज खुद. ये घटना जो मैं आगे आपको बताऊंगी उनके साथ हुआ था 2020 लॉकडाउन के टाइम पे. ना उस वक्त लॉकडाउन तो चालू था, बट वो एंड का टाइम की बात है जब कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो है वो खोल दिए गए थे. कर्फ्यू नहीं लगा हुआ था, लोग आ जा सकते थे हमेशा से, बट कोविड का डर जो है लोगों में बहुत ज्यादा उस वक्त था. नाउ क्योंकि वो एंड टाइम का जो लॉकडाउन पीरियड था वो था एंड धीरे धीरे कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस खुल रहे थे. नाउ जब कर्फ्यू लगा था उस टाइम पे तो ये था कि भाई 6 बजे के अंदर अंदर आप सभी को जो है लोगों को पब्लिक को घर के अंदर ही आना पड़ेगा, आप बाहर बिल्कुल नहीं जा सकते हो. तो लोग बहुत ज्यादा बोर हो गए थे घर के अंदर बैठे बैठे, बहुत घुटन सी महसूस होती थी. तो जब थोड़ा सा कर्फ्यू का रेस्ट्रिक्शंस ओपन हो गया कि या कोई टाइमिंग का जैसे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं था, तो लोग जो है आपस में थोड़े प्लान्स करने लग गए, घूमने की तैयारी करने लगे, बट डेफिनेटली विद प्रिकॉशंस. तो इसी तरीके से रोज और उनकी फैमिली ने भी डिसाइड किया कहीं पे जाने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वो लोग घर के अंदर ही थे. तो इसीलिए उन सब ने डिसाइड किया कि त्रिपुरा का जो सबसे बड़ा मंदिर है दैट इज माँ काली का मंदिर, वहां पे विजिट करने का उन्होंने डिसाइड किया. नाउ उस मंदिर तक जाने के लिए त्रिपुरा का विशालगढ़ सिपाही जला जू बोलकर एक जगह है, उस रास्ते को जो है उस जू के रास्ते को क्रॉस करके ही उस मंदिर तक आप पहुंच सकते हो जहां से रोज का घर था. नाउ लोगों का कहना है कि वो जो जू वाला रास्ता है उसमें बहुत ही अननेचुरल डेथ होती है. नाउ जिन लोगों को एक्चुअली में नहीं पता है कि उस जगह में क्या होता है, तो सभी को वो चीज जो है एक्सीडेंट लगेगा, बट एक्चुअली वहां पे एकदम एक्सीडेंट टाइप चीज नहीं होती है कि आप गाड़ी से गाड़ी टक्कर खा के कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर रास्ता खराब है इस वजह से कुछ, बिल्कुल ऐसा नहीं. रास्ता बहुत सही है, गाड़ी के आने जाने का भी स्पेस बहुत अच्छे से मिलता है, बट वहां पे बहुत ज्यादा अजीब चीजें लोगों को दिखाई देती है. कुछ ऐसी अद्भुत चीजें उनके गाड़ी के सामने या फिर रास्ते में लोगों को दिखाई देते हैं जिस वजह से एक एक्सीडेंट हो जाता है. ना बहुत लोगों को इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, बट वहां के लोगों को इस बारे में बहुत अच्छे से जानकारी है. पर जिन लोगों के साथ नहीं हुआ है वो डेफिनेटली इस सब चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं एंड वो लोग एक्सीडेंट की तरह ही उस न्यूज को लेते हैं. तो उन्हीं लोगों में से रोज और उनके परिवार भी थे, तो उनको भी जो है ये सारी चीजों पे बिलीव बिल्कुल नहीं था, बिकॉज उन्होंने कभी पर्सनली कुछ भी ऐसा फेस नहीं किया वहां पे, ना ही कुछ अपनों से जिन्हें वो जानते हैं उनके साथ ऐसा कुछ घटना हुआ. तो इसीलिए वो लोग भी ये सब चीजों को बस एक एक्सीडेंट मानते हैं. नाउ फाइनली वो दिन आ गया जब रोज अपनी फैमिली के साथ माँ काली के मंदिर में दर्शन के लिए जा रही थी. ना वो लोगों ने अपनी प्राइवेट कार निकाला एंड वो चारों ही जा रहे थे, उनके भाई और उनके मम्मी पापा, एंड उनके पापा जो है वो गाड़ी चला रहे थे. तो वो चारों निकले मंदिर के लिए, वहां पे वो पहुंचे, अच्छे से उन्होंने दर्शन किया, सब कुछ एकदम बढ़िया था. एंड आते आते थोड़ा सा शाम हो गया था, तो उन सबने डिसाइड किया कि चलो आज डिनर भी जो है वो घर पे नहीं करते, बाहर ही करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतने टाइम बाद वो लोग निकल के आ रहे थे एंड धीरे धीरे ही रेस्टोरेंट्स ये सारे चीजें उस वक्त
खुल रही थी, तो उन सब ने डिसाइड किया बाहर डिनर करने के लिए। फिर उन्होंने सबने अच्छे से डिनर किया एंड जब वापस आ रहे थे तो काफी रात हो गई थी, करीब रात के 1 बज चुके थे। एंड उस मंदिर से उनके घर तक, रोज के घर तक 52 किलोमीटर का डिफरेंस था। तो वो लोग जब उस मंदिर से निकल गए थे एंड वो जू वाला रास्ता अभी आगे आने वाला था, तो वो लोग आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। नाउ बीच में अचानक से उनके गाड़ी के सामने करीब 50 मीटर दूर उनको एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। तो उस वक्त उन लोग को थोड़ा सा हैरानी हुई कि इतनी रात को कौन ऐसे सामने, वो भी रोड के ठीक बीच में खड़ा है। बट उस वक्त भी किसी के भी मन में ऐसा कोई बुरा ख्याल नहीं आया या फिर उन सभी को डर नहीं लगा। उनको जनरली ऐसे ही लगा होगा कि कोई औरत जो है वहाँ पे खड़ी हुई होगी, कोई जैसे बेगर होगी जो वहाँ पे रस्ते में सोती होगी, ऐसा उनके मन में आया। बट कुछ भूत आत्मा ऐसा बिल्कुल उनके दिमाग में नहीं आया। तो उनके पापा ने गाड़ी का हॉर्न बजाने लग गए, बट उस वक्त भी उनके गाड़ी का हॉर्न सुनते हुए जब गाड़ी के सामने वो बुरी औरत हिली नहीं, तब थोड़ा सा उनको डर लग गया कि ये ऐसा क्यों कर रही है। आपस में वो सारे डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक से वो बूढ़ी औरत जो उनकी गाड़ी से 50 मीटर दूर में थी, वो एकदम से दौड़ने लगती है उनकी गाड़ी की तरफ। एंड दौड़ते दौड़ते उनकी गाड़ी की तरफ वो आ पहुंचती है। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, यही चीज जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कह रही थी जो अनरियलिस्टिक पार्ट है, वो ये है कि वो जब गाड़ी के पास पहुंची, वो एकदम से इंसान से उन्होंने एक बंदर का रूप ले लिया। ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है, मेरे लिए भी था जब मैंने ये कहानी पढ़ा। पर रोज़ का कहना है कि ये बात बिल्कुल सच है एंड बहुत सारे चैनल पे एक वक्त पे कवर भी किया गया था। बट एनीवे नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो वो एकदम से बंदर का उन्होंने रूप ले लिया। एंड ये देखकर तो उस वक्त सबकी हालत एकदम ही टाइट हो गई, सब बहुत ज़्यादा डर गए। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे उन सबको पसीना आ रहा था कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। फिर वो जो औरत है वो घूम कर जाकर उनके जो पापा के ड्राइविंग सीट है खिड़की के पास, वहां पे नॉक करने लगे और बार बार इशारा कर रही थी कि गाड़ी का जो खिड़की है वो खोल दो और गाड़ी खोल दो। बट वो ऑब्वियसली वो गाड़ी का दरवाजा बिल्कुल ही नहीं खोल रहे थे। बट उस वक्त उनके पापा की हालत ऐसे हो गई थी कि उनसे गाड़ी ही नहीं चली जा रही थी। बट फिर भी किसी तरीके से उन्होंने वो गाड़ी को चलाया। बट गाड़ी चलते चलते जब जू के सामने आई, वो एकदम से रुक गई, उनके कंट्रोल में ही नहीं था। एंड उस वक्त वो जो औरत है वो फिर से भाग के उनके पास आ गई, उनके पापा के ड्राइवर सीट के पास वो फिर से आ गई और फिर से नॉक करने लगी। एंड उस वक्त उनका जो फेस था बहुत ही डेंजरस दिख रहा था, ऐसा रोज बता रही थी कि मतलब उसको देख ही नहीं पा रहे थे, बहुत ज्यादा बदसूरत ऐसा फेस हो गया था, बहुत ज्यादा क्रीपी सा उनको लग रहा था। एंड उसके बाद तुरंत ही वो फिर से जो है एक बंदर में बदल जाती है। तो कभी इंसान और कभी बंदर का रूप वो बार बार ले रही थी, जिसको देखकर सब बहुत डर गए थे, ऑब्वियस बात है। बट रोज के जो पापा है वो एकदम ही अनकॉन्शियस हो रहे थे, वो अपने होश खो रहे थे, वो सेंसलेस टाइप हो गए थे। बट किसी तरीके से वो लोग जो है गाड़ी को चला के एक हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि उनकी हालत जो है वो इतना खराब हो गया था कि उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। फिर हॉस्पिटल पहुंचकर उनको थोड़ा बहुत उनका इलाज हुआ, जैसे बीपी वगैरह हाई हो जाता है जब आप एकदम से डर जाते हो, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, वैसा कुछ सिचुएशन रोज के पापा के साथ हुआ। फिर उसके बाद हॉस्पिटल से वो लोग अच्छे से घर पहुंच गए। तो ये तो थी घटना जो रोज के साथ और उनकी फैमिली के साथ हुआ, जो बहुत ज्यादा अद्भुत घटना है। एंड वो किसी को भी ये बात बोले शायद उनकी बात पे विश्वास ना करे लोग। नाउ आते हैं उस न्यूज पे जिसके बारे में रोज ने बताया कि बहुत सारे चैनल्स ने इस स्टोरी को, इस न्यूज को कवर किया था। और वो ये था गाइस कि 2012 में सिपाहीजला जू में ही उस वक्त 6 टाइगर्स थे एंड एक दिन 6 टाइगर एक साथ ही डेड पाए गए थे बिना कोई रीजन के। ना उसके ठीक 2 हफ्ते बाद बंदरों का एक झुंड, ग्रुप ऑफ मंकीज भी डेड पाए गए थे, अगेन किसी को भी रीजन जो है वो नहीं पता था। फिर उसके 3 महीने बाद 4 पिकॉक भी इसी तरीके से डेड पाए गए थे, अगेन कोई रीजन नहीं था। ना बहुत ही स्ट्रेंज बात ये था कि एक ही टाइम पे जो है वो सारे एक साथ मर गए थे, इसका वजह किसी को भी नहीं पता था। एंड बहुत ज्यादा ये बात स्ट्रेंज थी,
प्लस ये जो अननेचुरल डेथ होती थी उसी रास्ते में, ये तो बहुत ज्यादा पॉपुलर था ही उस वक्त, जिस वजह से बहुत सारे न्यूज चैनल ने ये 2012 के इंसिडेंट 2012 में ही कवर किया था। सो ये थी कहानी गाइस जो रोज ने शेयर किया, उनका और उनके फैमिली का एक्सपीरियंस, जो पर्सनली बहुत ज्यादा क्रीपी लगा मुझे, बट साथ में आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगा। बट अनरियलिस्टिक तो वो भी सारी घटनाएं होती है जब यू नो, कोई कहता है कि उनके बेड के पास कोई खड़ा हुआ दिखा या फिर किसी ने उनके पैर को टच किया, ये सारी चीजें भी बहुत अनरियलिस्टिक होती है। बट ये सब कुछ जो है अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ये होल टॉपिक ही एक्चुअली अनबिलीवेबल होता है, बट मैं इस टॉपिक पे जरूर बिलीव करती हूँ बिकॉज एक्सपीरियंस खुद के साथ हुआ है ओनली देन। तो जो लोग इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते, मैंने हमेशा से कहा है वी शुड नॉट आर्ग्यू विद दोज पीपल बिकॉज डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ होता है वही इसे बिलीव कर सकता है। अगर इस जू के बारे में, त्रिपुरा का जो ये जू है जिसमें इतनी सारी चीजें हुई है ऐसा रोज ने बताया, अगर इसके बारे में और भी किसी लोगों को पता है तो कमेंट्स पे जरूर बताइएगा मुझे, आई वुड लव टू नो अबाउट इट। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आप लोग के पास भी कोई रियल स्टोरीज है, सिर्फ हॉरर ही नहीं, अगर आप कोई और भी स्टोरीज आप चाहते हो कि मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचाऊ, देन प्लीज आप लोग मुझसे मेल कर सकते हो वो अपनी कहानी, इंस्टाग्राम के मैसेज के थ्रू भी आप मुझे शेयर कर सकते हो अपनी अपनी स्टोरी, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज चेक कर लीजिएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई विल सी यू ऑल अगेन वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर गाइज, स्टे सेफ एंड स्टे होम, बाय।